Back guys to our new video of Stardew Valley Let's Play series. तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो भाई आज है संडे, सातवां दिन, देख सकते हो 7 ही बज गए हैं। ओ माय गॉड। तो चलो भाई पहले तो भाई ऐसा करते हैं, टीवी को चेक मारते हैं कि कैसा है ये हमारा फॉर्च्यून आज का। और लक अच्छा नहीं, और भी कुछ ऐसा, क्वीन ऑफ द सॉस भी ये कुछ हो रहा है यहाँ पे। और ये कुछ रेसिपी सिखा रहे हैं हमें, क्या नाम है इसका, स्टिर फ्राई। ओ माय गॉड, ओके भैया ठीक है। यू हैव लर्न हाउ टू कुक स्टिर फ्राई, जरा देखते हैं कैसे बनती स्टिर फ्राई। स्टिर फ्राई यहाँ पे तो कुछ खाने का सा आइटम लग रहा है, सिर्फ फील स्नैक के। ये क्या है, कैंप फायर। अच्छा पता नहीं भाई क्या है वो, समझ नहीं आया मुझे उसका, पर देखेंगे बाद में। चलो बाहर चल के देखते हैं कैसे अपने क्रॉप्स और भाई कैसे हो सब लोग। तो पिछली बार हमने इतने सारे क्रॉप्स प्लांट कर लिए थे यहाँ पे, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और यहाँ पे ये वाइल्ड सीड है, पटेटोज भी उगा लिए थे मैंने। और इतने सारे पार्सनिप्स हैं यहाँ पे, तो इन्हें मैं जल्दी से भी पानी दे लेते हैं भाई पहले। और एक सेकंड, मेरे पास तो कोई आइटम ही नहीं है भाई, सारे मैं चेस्ट में रख दिए लगता है अपने आइटम। हाँ देखो ये पड़े, देखो हमारे सारे आइटम को भाई, जल्दी से पानी का ये निकालता हूँ जग बाहर। और यहाँ पे चलते हैं पानी भरने और पानी देते हैं अपने क्रॉप्स को। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे क्रॉप्स को पानी दे लिया है, अब इसे रख देते हैं अंदर। और ये जो हमारे जो ये सीड्स हैं स्प्रिंग के, इनको हम करने चलते हैं डोनेट। और ये फॉर्जेबल वाला भी डोनेट कर लेते हैं, क्योंकि भाई इसी की वजह से हम ओपन कर पाएंगे इन स्प्रिंग सीड का बंडल। तो पहले चलते हैं उधर इनको डोनेट करने। और आज संडे भी है, तो मतलब भाई ट्रेडर भी आ चुका होगा, उससे भी मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे कुछ फूल पत्ती है क्या भाई? कुछ नहीं मिला, कोई नहीं। तो गाइज आप लोग जल्दी से लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओ यहाँ पे एक डैफोडिल है, ओके ले लेते हैं इसे। और आ गए हम कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं, देखो अब मैं बताता हूँ बंडल्स का क्या काम है। और जो स्क्रॉल हमें मिला था ना, देखो ये वाला स्क्रॉल, अब इसको हम देख सकते हैं कि भाई इसमें क्या है, मतलब कि हमें फॉरेस्ट मैजिक मिल गया ना, तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है जैसे कि स्प्रिंग फॉरेस्ट बंडल है, इसको अगर हमने कम्प्लीट करा तो हमारे और भी आइटम्स खुलेंगे। तो अभी इसे जल्दी से कम्प्लीट कर देता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें डोनेट करनी है। और कम्प्लीट हो गया ये, और मेरे को मिले 30 वाइल्ड सीड, क्या बात है। स्प्रिंग सीड, वाइल्ड सीड कह दिया गलती से, सॉरी। और इसी के दौरान हमारा जो ये वाला बंडल है किचन का, ये भी अनलॉक हो जाता है इससे। एंड यहाँ पे भी कोई सा एक बंडल अनलॉक होगा, जो कि है ये फिशिंग का होगा। ओके ठीक है, मेरे को लगा कि भाई बेसमेंट वाला होता है, खैर कोई नहीं। और ये डैफोडिल बाहर से मिला था मुझे। तो भैया देखो वो लेके जा रहा है वो बंडल को, अब इसमें अपने घर में जाके डाल देगा ये, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अपने स्प्रिंग के भी जो क्रॉप्स हैं उन्हें भी हम यहाँ पे डोनेट कर देते हैं जल्दी से। ये लो भाई स्प्रिंग का भी बंडल हमारा हो गया कंप्लीट। और मिल गया हमें, ये क्या मिला भाई, स्पीड ग्रो मिला है हमें भाई। और स्पीड ग्रो का इससे क्या होता है कि जो हमारे आइटम्स हैं ना, वो जो हमारे क्रॉप्स हैं वो जल्दी ग्रो होते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत ही। और हाँ ये लो भाई बेसमेंट का भी बंडल खुल गया है यहाँ पे। तो जैसे जैसे एक एक आइटम्स हम एक एक बंडल हम कंप्लीट करते जाएंगे, हमारा ये बंडल खुलता जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरे बंडल्स भी अनलॉक होंगे, जैसे कि अभी हमारे तीन बंडल, एक दो तीन चार बंडल अनलॉक्ड हैं, तो हम इन्हें वो भी कर सकते हैं भाई, फिलअप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो भाई अब देखते हैं बाहर चल के, पहले ट्रेडर से मिल के आते हैं और ट्रेडर से मिल के देखते हैं क्या क्या है उस पर भाई बेचने के लिए। ऐसा करते हैं फिर पियर की शॉप पे भी चलते हैं, कैरोलिन को ये देंगे फ्लावर, खुश हो जाएगी वो। बस हो यहाँ पे वो, काश जोड़ी जी जरा हटना। कैरोलिन कहाँ है ये, कैरोलिन ओनली लेट्स हर फ्रेंड। अरे अपने घर, अरे यार वो वहाँ पे तो खड़ी है, अपने कमरे में बैठी हुई है भाई, वो बाहर ही नहीं आ रही है। तो ऐसा करते हैं जब तक वो बाहर आएगी जब तक हम चलते हैं भाई ट्रैवलरिंग मर्चेंट से मिलने।
तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे लड़की के रास्ता कूद रही है, इसे मैं गिफ्ट दे देता हूँ। आई लव प्रेजेंट्स, थैंक यू जी। वेलकम भाई, कोई नहीं। और ये रहा ट्रैवलिंग मर्चेंट, क्या दे रहा है भाई ये? चॉकलेट केक, केव कैरेट, टूलिप, सोलर इसेंस। सोलर इसेंस दे रहा है भाई 800 रुपये का, पर मेरे पे 300 ही हैं। सी फॉम पुडिंग, फेरी रोज, वी जी ए पैराडाइस, ये क्या चीज़ है? कैन बी प्लेस इन साइड योर हाउस। अच्छा जी, कॉफ़ी बीन और 5 रेयर सीड्स। अरे यार मेरे पे तो इतने पैसे नहीं है, बस मैं एक ये कॉबल स्टोन पात खरीद सकता हूँ और एक केव कैरेट हरिंग भी ले सकता हूँ मैं। बट ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं लेते भाई, कुछ नहीं खरीद सकते भाई हम, सब कुछ हमें आसानी से मिल सकता है ये। तो अभी चलते हैं भाई सीधे हम कहाँ, अपने फार्म की तरफ। तो भाई अपने फार्म पे तो मैं आ गया हूँ और अब यहाँ पे हमने पहले भाई सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ये सब चीज़ें, और अपनी फ़िशिंग रॉड लेते हैं, इसमें बेट है बहुत बढ़िया। और हम चलते हैं अब सीधे ओशियन की तरफ भाई। ओशियन में और लेक में हम फिशिंग करने वाले हैं आज, ताकि मेरे जो ओशियन फिश और लेक फिश बंडल है उसे कंप्लीट कर सकूं। इतना हार्ड भी नहीं है वो, बट हाँ थोड़ा हो जाता है कभी कभार हार्ड, तो उसमें टाइम लगेगा। अरे यार मैं कैरोलिन का गिफ्ट तो लाना ही भूल गया, चलो खैर कोई नहीं। देखो सैम जा रहा है, इससे ही बात कर लेते हैं। और भाई कैसा है भाई? बढ़िया। अब एकल से भी बोल देता हूँ भाई थोड़ा सा बातचीत, बस आप अच्छा एक ही बार बात करते क्या? ओके चलो कोई नहीं। पहले ऐसा करते हैं यहाँ पे रिवर रिवर वाली फिश भी चाहिए भैया, हमें तो रिवर पे भी थोड़ी सी फिशिंग कर लेते हैं। कचरा मिला भाई, कचरा नहीं चाहिए हमें यार, कोई अच्छा आइटम दो भैया। भाई कचरे पे कचरा ही मिल रहा है हमें यार, कुछ अच्छी मछली पछली दो भाई। सनफिश चाहिए वैसे तो मुझे यहाँ पे, अगर मिल जाए तो लक अच्छा रहा तो सनफिश मिल जाए काश। और कोई मछली लगी हाथ हमारे, कौन सी मछली है ये? और ये है, अरे वाह क्या बात है, सनफिश मिल गई, बहुत बढ़िया। जरा हम बंडल चेक करते हैं कि कौन से मछली चाहिए हमें। देखो यहाँ से हम बंडल भी चेक कर सकते हैं अपने। तो रिवर फिश के लिए हमें एक सनफिश चाहिए, शार्ट चाहिए और टाइगर ट्राउट, और ये कैटफिश। कैटफिश थोड़ी मुश्किल है पकड़नी, पर देखेंगे कोशिश करके, पर अभी नहीं मिलेगी, सिर्फ सनफिश है अभी हमारे पास इसमें से। और ये क्या है, नाइट फिशिंग बंडल में ब्रीम मिल सकती है अभी हमें, और लेक फिश में तो ये तीनों मिल जाएंगी बस इसे छोड़ के। और इसमें ओशन फिश में सार्डिन मिल जाएगी बाकी सब छोड़ के, क्योंकि गाइस जो मछलियाँ होती हैं ना वो होती हैं सीज़न वाइज, जैसे क्रॉप्स होते हैं ना वैसे। बाकी इनमें से कुछ नहीं पकड़ सकते हम। ये 20वें फ्लोर पे मिलती है माइंस में, और ये ट्रैवलिंग मर्चेंट से कभी कभार मिल जाती है बहुत आसानी से, पर अभी नहीं है हमारे पास पैसे से ख़रीदने के लिए भी। और क्रैप पॉट में से ये और ये, इन तीनों में से कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मैं अभी डाल दूंगा इसमें। बट अभी चलते हैं भाई ओशन में मछली पकड़ने पहले, तो जैसे जैसे ओशन की मछली मिल जाएंगी फिर उसके बाद हम जाएंगे लेक में मछली पकड़ने। देखो भाई नॉर्मल ये वाली चीज़ तो हमें यहीं पे मिल गई क्लैम्प, तो और एक वो म्यूजिल करके जो था वो भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यार। पर छोटा करते हैं इसे देख कर ताकि दूर दूर तक का दिखे, वैसे कुछ और है नहीं यहाँ पे। चलो खैर कोई नहीं। क्या आप कोई बबल कॉलम आ रखें क्या? और भैया एलियट भैया कैसे हो? हेलो आई होप योर न्यू फार्मिंग लाइफ इज पैनिंग आउट एज यू होप्ड। नहीं भाई थोड़ी टायरिंग है हमारी लाइफ, तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो चलो भाई फिशिंग करते हैं यहाँ पर, फिशिंग रॉड मिल जा रही। ओके तो यहाँ पे मछली गाइस मैंने पकड़ ली लगभग लगभग, और इस अरे भाई फ्लाउंडर मिली भाई, 100 रुपये की बिकती है, और इसके साथ ट्रेजर चेस्ट भी मिली थी। क्या ये जेड मिला है हमें यहाँ पे, इसे ले लेते। ओ भाई गोल्डन फ्लाउंडर मिली भाई हमें, ये बहुत पैसों की बिकी गाइस, कम से कम 150 रुपये की। और अरे भाई एक और मछली साथ की साथ बैक टू बैक, क्या बात है। ओहो ट्रेजर चेस्ट भी है भाई इसके साथ, तो जल्दी से जल्दी इस मछली का ऊपर करता हूँ मैं डायर। ट्रेजर चेस्ट आ जाओ और मछली कोई पकड़ने की कोशिश करते हैं, आ जाओ बस। ओह बच गया गाइस, बस थोड़ा सा ही रह गया था,
वरना ये मछली और ट्रेजर चेस्ट दोनों ही चले जाते। ओके भाई, ये क्या है? हरिंग है हमें मिली है, और इसमें क्या है? कोल मिला यार, बेकार चीज़ मिल रही है यार। कुछ अच्छा मिले तो मज़ा आए। बिल्ली आ गया यहाँ पे मैं मछली पकड़ने हमारे साथ में, थोड़ी कंपनी वंपनी देगा हमें। और एक और मछली आ गई है, कौन सी है? काश कि कुछ सार्डिन वार्डिन मिल जाए यार मेरे को तो, ताकि मैं वहाँ पे डोनेट करके आ जाऊँ, ये यहाँ पे बार बार मछली ना पकड़ने आना पड़े मुझे। और ये क्या मिला है? अरे क्या बात है, सार्डिन ही मिली है। तो चलो इसी बात पे हमारे यहाँ का काम तो हो गया ख़त्म, अब हम चलते हैं लेक पे मछली पकड़ने। तो भाई लेक पे मछली पकड़ने से पहले जो जो मछली हम दे सकते हैं यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं वो मैं कर लेता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे हम आ गए, ये ओशन, ये रिवर फिश में ये दे दी मैंने, और ये इसमें से मैंने ये दे दिया, और इसमें ये तो अभी कुछ है नहीं ना हमारे पास। ओशन फिश है क्या ये? ये है ओशन फिश, इसमें सार्डिन दे दी। और अब चलते हैं सीधे लेक पे। तो गाइस जो मछली हमें चाहिए बंडल के लिए उसमें से एक मछली मैंने यहाँ पे पकड़ ली है, बाकी मछलियों के लिए ट्राई करते हैं हम जल्दी। ट्रेजर चेस्ट मिली मछली के साथ। अरे यार वुड मिली है, वुड नहीं चाहिए यार मेरे को, मछली दो भाई वो अच्छी वाली। वैसे मेरे को नहीं लगता इस टाइम तक वो मछली मिलेगी हमें, पर ट्राई कर रहा हूँ मैं, वरना मुझे कल फिर आना पड़ेगा। और ये कुछ मिला मेरे को, और काश के वही मछली हो जो मैं सोच रहा हूँ। ओके परफेक्टली कैच। और ये वही है तो पहले वाली है यार। चलो खैर कोई नहीं, पहले वाली के तीन वर्जन मिल गए यार हमें, वो वाली मछली नहीं मिली। चलो कोई नहीं, खैर अपने इसे डोनेट करके आ जाते हैं फिर चलते हैं कहीं अपने। अरे भाई ये सुट्टेबाज। हेलो भाई, हेलो, योर नेम इज़ प्रफुल राइट? यस। ज़्यादा बात नहीं करते भाई हम सुट्टे वाले लोगों से। चल रहे हैं भाई अपने कम्युनिटी सेंटर में डोनेशन करने फिर हम। और कम्युनिटी सेंटर पे आ गए तो भाई जल्दी से डोनेट कर देते। लेक वाला कौन सा था? ये है ना लेक, ये लो भाई लेक वाली मछली लो तुम। और यहाँ से अब चलते बनते हैं अपने फार्म की तरफ। ये बाकी चीज़ जो मछलियाँ इन्हें मैं बेच दूँगा भाई, और क्या इनका कुछ काम तो है नहीं फिर, तो बेचने का ही फ़ायदा है भाई इन्हें। तो भाई आ गया हूँ मैं अपने फार्म पे, और जल्दी से मछलियों को मैं देता हूँ बेक। चल भाई जाओ। और ये जेड को मैं बाकी चीज़ों के मतलब इसमें रख देता हूँ अपने बक्से में। और बक्सा भी भाई एक चेस्ट और बनानी पड़ेगी मेरे को भाई। देखो कितनी पूरी की पूरी लगभग लगभग भरी गई है ये, तो अभी इसमें टाइम लगेगा क्या? कोई नहीं, तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। देखो ये मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियो दिखाऊँ तुम लोगों को, ज़्यादा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करी हमने वो ही मैं दिखाऊँ आपको, ताकि आपका ज़्यादा टाइम मेरे पे मतलब वीडियोस में आप कहोगे यार इतनी बड़ी वीडियो है क्या देखना है, इसका हटाओ, एक मिनट देख ली फिर चले गए। तो इसलिए मैं छोटी वीडियो रख रहा हूँ इस बार। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो बताना ज़रूर कमेंट्स में, और लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बस आज की वीडियो में इतना ही, तब और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। और चलते हैं अभी सोने, और बाय बाय करते हैं भैया आपसे। और भाई कमाई भी अपनी अच्छी खासी हो गई यहाँ पे, करीबन 800 रुपये हमने कमा लिए होंगे अभी तक, 800 तो हो ही गए होंगे शायद, और 700 हैं 800 हैं जरा दिखाओ, और ये 770 रुपये। चलो भाई ये भी सही है। अरे यार ये फिर उठा ले तो, बार बार इसे उठा लेता हूँ मैं। चलो तो ओके गाइस, बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।